अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण का बजट बढ़कर हुआ लगभग 1800 करोड़ रुपए। परिसर में निषादराज जटायु शबरी की भी मूर्ति लगेगी। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में रखे सोने चांदी सिक्कों में होंगे कन्वर्ट, श्रद्धालु खरीद सकेंगे सिक्के। 16 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या, दीपोत्सव में 16,000 वॉलेंटियर लेंगे भाग। हिमाचल प्रदेश में 6 रोपवे का होगा निर्माण, लगभग 1400 करोड़ रुपए की आएगी लागत। नमस्कार, सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात अयोध्या के श्रीराम मंदिर की। मंदिर का निर्माण तेज गति से हो रहा है और इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा बताया गया कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तब 400 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद की जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार 2024 के मकर संक्रांति में रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और दर्शन पूजन भी शुरू हो जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में हिंदू धर्म से जुड़ी महान विभूतियों और साधु संतों की प्रतिमाओं को भी स्थान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में रखे सोने चांदी को अब सिक्कों में कन्वर्ट किया जाएगा। राज्य सरकार के अधीन 34 मंदिरों को इस श्रेणी में रखा गया है। सोने चांदी के सिक्कों में कन्वर्ट होने के बाद मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं को इन सिक्कों को बेच सकेंगे। इस बार अयोध्या नगरी 16 लाख रिकॉर्ड तोड़ दीपों से जगमगाएगी। 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये दिए श्रीराम मंदिर और घाटों पर जलाए जाएंगे। साथ ही इस साल सरयू घाट पर लेजर लाइट की रोशनी अद्भुत छटा बिखेरेगी। इस महोत्सव में 50,000 लीटर सरसों के तेल की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही दीपों को जलाने के लिए 16,000 वॉलेंटियर भी भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की मंजूरी से 6 रोपवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। सरकार द्वारा करवाए जा रहे रोपवे का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर होगा। बता दें कि इस रोपवे के निर्माण के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके मद्देनजर मंदिर परिसर समेत आसपास के पुरातात्विक स्थलों का भूगर्भ सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन और सैटेलाइट के द्वारा भी और भी कई तरह के खोज किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को फिर से लाया जाएगा। यात्रियों ने पहले से ही रिजर्वेशन शुरू कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि चीतों के स्थानांतरण से चंबल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।